एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं पहचान, मैं हूँ सिद्रा. यहाँ हम बात कर रहे हैं अहमद कबाडिया साहब से. और जैसे ही मैं सिनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ, तो आई सॉ दिस बिग पोस्टर दैट वाज आस्किंग मी अबाउट द लेगेसी. यानी हर इंसान पे ये फ़र्ज़ है कि वो आज नहीं तो कल जिस जगह भी रहता है, चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी मोहल्ले में रहता है, या इस दुनिया की अगर हम मिसाल ले लें, यहाँ से हमें चले जाना है, तो हम वो क्या असासा है, क्या विरासत है जो अपने पीछे छोड़ के जाएंगे, जिसकी बदौलत लोग हमें याद रखेंगे या जिसके ज़रिए लोग हमारे बारे में बात करेंगे. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स आस्क अहमद साहब दैट. क्या कहते हैं आप सर? व्हाट इज गोइंग टू बी योर लेगेसी? जस्ट माय ऑब्जेक्टिव वुड बी टू लीव समथिंग बिहाइंड व्हिच कंटिन्यूज एंड व्हिच प्रोवाइड्स वेलफेयर टू द पीपल. दैट शुड, दैट इज इंशाल्लाह गोइंग टू बी माय लेगेसी. अल्लाह ताला जैसे कहता है कि मैं अपने बंदों को माल और दौलत से, बल्कि अपनी कभी कभार उसकी औलाद से भी आजमाता हूँ. जी, तो आई नो कि यू हैव, एवरी सन हैज़ अ लॉट ऑफ फॉन्डनेस फॉर देयर फादर. और आपने लतीफ़ साहब के नाम पे एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन भी बनाई है, और उसके ज़रिए देयर टू क्लिनिक्स राइट नाउ दैट आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान. कुछ उसके बारे में हमें बताइए. ये 2007 में शुरू किया था. दैट्स माई फादर वॉज मे नॉट बी वेरी रिलीजियस, बट he cared deeply about the people. He cared deeply about poverty. बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ अवकात में घर में हमारे प्लम्बर भी उनके साथ टेबल पर बैठ के, मैकेनिक भी, वो खाना खा रहे होते थे. वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. तो वो लोगों के बारे में उनको बड़ा ख्याल था. और बाय द वे मेरे ग्रैंड फादर जो हैं, वो डॉक्टर लेट कपाडिया, जो हम गुरु मंदिर पर होम्योपैथ मेडिसिन देते हैं 1952 से, अब मेरे चचा चला रहे हों, तो ख़ानदानी कुछ है उसमें, दिल चाहता है कि आप लोगों की मदद करें. तो उसमें हमने दो क्लिनिक खोले हुए हैं, ओपीडी हैं, उसमें माशाल्लाह 150 से 200 लोग आते हैं मिला के. और लेकिन बहुत गुर्बत है, बहुत हेल्थ की ज़रूरत है. ओपीडीज़ हैं, लेकिन जिस तरह से लोग आते हैं और जिस तरह से वहाँ पर का इन्वायरमेंट है, तो आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ये कराची में है. इतनी गुर्बत आपसे देखी नहीं जाती. एम एस साहब, अब अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ मोर इफेक्टिव रोल इन पॉलिसी मेकिंग. शौकत तरीन साहब हमारे सामने हैं, इसके अलावा असद उमर हैज़ रिसेंटली जॉइंड अ पोलिटिकल पार्टी. क्या आपको लगता है कि बिकॉज यू आर ऑल अचीवर्स, आप लोगों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लीड किया, लोगों को अपने अपनी टीम्स को अच्छा मैनेज किया है, विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, डू यू थिंक कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए एक अच्छा रोल है टू मूव टूवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग? आप इसको कैसे देखते हैं, एंड कैन वी सी यू इन अ सिमिलर रोल समटाइम? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए. लेकिन मेरा सिंपल फिलॉसफी है, जहाँ जिस पोजीशन पे भी आप बैठे हुए हैं, जो आपके इख्तियार में हो सकता है वो आप करें. सही. तो आई डोंट नो अबाउट पॉलिटिक्स, बट वेरेवर आई कैन डू. लेकिन अगर इस दायरे को वसी करना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप अभी कराची में उन इलाकों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, दही इलाकों में, गाँव में, छोटे शहरों में बहुत गुर्बत है, वहाँ पे इम्पैक्ट जिस तरह की इफेक्टिवनेस चाहिए उसके लिए, वुड यू नॉट वॉन्ट टू प्ले दैट रोल? ऑफकोर्स, कैपेसिटी है ना, कर सकते हैं. एक ऑर्गेनाइज, सीखा कहाँ से? इसी ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है. एक्सपैंड हुआ, ये 12 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज 225 लोग हैं इसमें. तो मैनेजमेंट सीखी है, एडमिनिस्ट्रेशन सीखी है, और उसी सीखने को अप्लाई किया है वो क्लिनिक. तो वो क्लिनिक, जिस तरह आपने माशाल्लाह ऑफिस की तारीफ की है, वो क्लिनिक भी इसी तरह से, आप जैसे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वो सिनर्जी से कोई ताल्लुक है उसका. अच्छा, ऑफिस की तारीफ हमने स्पेशली यहाँ पे इसलिए भी की है क्योंकि कई, मैंने भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम किया है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आपकी इंटरनेशनल अफिलिएशन हो तो गोरा साहब आपको पूरा चार्ट बना के देखता है कि ये चीज़ आपके ऑफिस प्रेमिसेस में होनी चाहिए, कैफेटेरियाज ऐसे होने चाहिए, बाथरूम्स ऐसे होने चाहिए. और उसके बावजूद भी, जबकि हम उनसे वादा कर लेते हैं, वादा खिलाफी भी हम करते हैं, और हम बिल्कुल मिनिमल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. सिनर्जी पाकिस्तान की एक होम ग्रोन, ऑल थ्रू आउट 100% पाकिस्तानी कंपनी है, जिस पर कोई इस तरह की पॉलिसी ऑब्लिगेशंस या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी. लेकिन यहाँ पे जो कुछ काम किया गया है, चाहे एक बहुत ही डिटेल्ड एचआर पॉलिसी की बात की जाए, चाहे प्रेमिसेस की बात की जाए, चाहे पुटिंग अप अ कैफेटेरिया, अ लाइब्रेरी, हैविंग अ वेरी फॉर्मल एचआर, फाइनेंस एंड क्रिएटिव यूनिट, ये सब का सब अपना इनिशिएटिव है. एंड आई थिंक दैट इज़ एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कंपनीज़, के
कोई डंडे के बगैर भी ये काम किया जा सकता है। जिम भी है, जिम भी है, आप वक्त निकालते हैं जिम के लिए? मैं तो रोज करता हूँ। आप रोज जिम करते हैं, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस का, बिकॉज आप हेल्थ टीवी पे लोग आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो ये हमेशा से कॉन्शियसनेस थी कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट अभी एक साल पहले बिकॉज ऑफ माय ट्रैवलिंग छोड़ी है, लेकिन मैं तो क्रिकेट हमेशा खेलता था और मुझे आई लाइक स्पोर्ट्स, सो आई लाइक टू कीप फिट, तो आई डू द जिम एवरी डे एंड आई गो टू द जिम। दिस इज नेसेसरी, अगर आप करेंगे नहीं तो यू सी यू नीड टू गेट इंटरनली मोटिवेटेड। पीपल डोंट डू एक्सरसाइजेस के यार, किसी को शौक नहीं होता। बाय द वे, इफ यू आस्क मी कि आपको शौक है क्रिकेट के अलावा, मुझे इट्स यू नो इट्स अ ड्रैग टू गो अप देयर एंड एक्सरसाइज, बट इफ़ यू डू दैट देन लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस, योर आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ चेंजेस, आप देखने का It is all for the endorphins. यानी अगर आपने उसको काम बना लिया तो those happy hormones that you release after a good workout that you are not going to get. Yes, exactly. वो अगर वो हो जाए तो ज़बरदस्त है, ताकि फिर उसका impact काम पे भी आता है ना, उसका impact outlook पे आता है, how you see things. Differently आप देखने लगते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ लोग, कुछ CEO से हमने बात की, उन्होंने कहा मैं अपने बिजनेस के सबसे जो मुश्किल डिसीजन होते हैं वो ट्रेडमिल पे लेता हूँ या गोल्फ कोर्स पे लेता हूँ। आप कहाँ, where does the creative juice start to flow? कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आप मुश्किल डिसीजन लेते हैं? I don't think like that. I'm more into team, I'm more into synergy, I'm more into creating synergy. We have a full time chief operating officer of the group, Ali Mandvi wala. He is right now running the entire company. I don't interfere as such. I'm there. लेकिन आई लाइक आई सेड के पासिंग ऑन द यू नो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई ड्रीम डेलीगेशन। ऑफकोर्स आप क्या मतलब उसी पर बैठे रहेंगे जी मैंने ये सिनर्जी बना ली है और बहुत बड़ा कमाल कर लिया है। वैसे बाय द वे जो हमारी बात कट हो गई थी, जितनी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है, जितनी आपको अल्लाह ताला की तरफ से, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सही। तो वो जो परसेंटाइल मार्किंग नहीं होती थी MBA में, तो मेरे ख्याल में मेरा तो इम्तिहान होगा तो मेरे पासिंग मार्क्स ज़्यादा होंगे। नहीं, जब आप एंड में, वही है ना गेम, तो वही है, एंड में जाके आप तो फड़े होंगे, तो जो आपका चौकीदार है उसके तो पासिंग मार्क्स कम हुए। तो जितना दिया जाएगा उतने ज़्यादा सवालात होंगे, तो डरना चाहिए, और जब डर लगेगा तो फिर आप काम करेंगे पे लॉस। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचेंगे आगे क्या होने वाला है और आप पैसों के लिए भागते रहेंगे तो दिस नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट डजंट वर्क आउट। आर यू सुपरस्टिशियस? यानी कुछ लोग होते हैं थोड़े से वहमी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप काली बिल्ली या उसी से घबराएं, लेकिन कभी कभार होता है ना कि जी मैं ट्यूसडे को कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू नहीं करता, या कोई और ऐसी सुपरस्टिशियस चीज़। वहम तो आना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में कभी भी। I don't believe in such thing. So nothing has ever stopped you from doing what you feel like doing? No. There's two things, na, the heart and mind. I say that mind is more, heart is more important than the mind. Iski percentage 75% honi chahiye. Okay. 25 hai, lekin ye jo agency bani hai jahan baithi hui hai, ye pura miracle hai. Matlab agar main dimag se soch raha hota us 1999 mein to wo possible nahi hota. लेकिन हार्ट सेट के हो जाएगा स्टार्टेड डू समथिंग एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट लाइक आई सेड परसिवेरेंस एंड डिटरमिनेशन विल टेक यू फार। यू हैव वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर द वर्क दैट यू गाइस हैव डन। उसमें से सबसे ज्यादा ये सारे अवार्ड्स को जब आप देखते हैं, सारी रिकॉग्निशंस एंड सर्टिफिकेट्स, व्हिच वन इज द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, या जिसको देख के आज भी आप कहें कि यार ये वाज द मोस्ट important thing in my life? I think एक जो हमें एवी अवार्ड मिला है बॉम्बे में, एडवर्टाइजिंग क्लब है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस क्लब, और आई डोंट थिंक सो एनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन पाकिस्तान हैज़ वॉन इट। हमने अपनी एंट्री दी थी उसमें, दिस हैज़ हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो, आई थिंक 2004, एंड वी वन द अवार्ड फॉर बेस्ट कैंपेन। तो वो अगर आप बोर्ड रूम में देखे होंगे आपने, तो वो फैंटेस्टिक अवार्ड, मतलब दैट्स एन अचीवमेंट which we feel happy about it. Proud is not the right word. And that
brings a smile to your face. Of course. So that is the more important thing. आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, at the end of the day, if you're not feeling content, अगर आपके ज़िन में इत्मीनान नहीं है, तो I think it goes to waste. Yes. But thank you so much for taking out time. And here's a small box of chocolate as a token of our appreciation. Okay, May thank all you. Your endeavors have sweet endings like this box of chocolate. Thanks a lot. Appreciate it. और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है. ऑफ कोर्स आपकी फीडबैक और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, बल्कि अ बिग थैंक यू इज़ इन ऑर्डर, बिकॉज द वे यू लाइक द शो, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड इट्स वेरी वेरी हम्बलिंग इंडीड. लेकिन प्लीज़ कीप इट फ्लोइंग. आपके सामने हमारा फेसबुक एड्रेस और हमारा ईमेल एड्रेस, मुझे ज़रूर बताइए कि आज के प्रोग्राम में भी आपको क्या अच्छा लगा. अगले हफ्ते तक के लिए मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.